हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबकी दिवाली अच्छे से गई होगी, अच्छे से मनाई होगी सबने दिवाली। और यहाँ पर मैं हमारी भी दिवाली भी बहुत अच्छे से मनी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही होगा कितने अच्छे से दिवाली मनी है दोस्तों। और दिवाली के दूसरे दिन में भादस में ही रुकी थी, जो तीसरा दिन था, मतलब जिस दिन गोवर्धन था उस दिन मैं वहाँ से आई थी। लेकिन उससे पहले की ये वीडियो है। और यहाँ पर दोस्तों बाज़ार मार्केट की मिठाई तो मतलब आपको पता ही होगा अनहेल्दी होती है। और अब तो अब की बार तो हमने बहुत ना के बराबर, मतलब 1 किलो ही मिठाई हमने मार्केट से खरीदी थी, और ज़्यादा मिठाई नहीं खरीदी क्योंकि बर्फ़ी भी हमने घर पर बना ली। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बना रही हूँ घर का कलाकंद। और कलाकंद बनाना कितना आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर मैंने ले ली है 1.5 किलो खोए में, 2 किलो चीनी की चाशनी मैंने यहाँ पर बना ली है। और चाशनी चीनी डालकर उसमें मैंने 1 गिलास पानी कर दिया है दोस्तों। और चाशनी को अच्छा गाढ़े होने तक पकाना है। और इसमें मैं गंदगी को निकाल रही हूँ, जो चीनी की कालापन होता है उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि दूध डालने से चीनी की जो गंदी गंदी सी जो उसमें आते हैं झाग, वो उसको मैं निकाल दूँगी दोस्तों। मैंने अपनी मम्मी को देखा है कलाकंद बनाते हुए, और फ़ोन पे भी मैंने मम्मी से पूछ लिया था किस तरह से कलाकंद बनता है। और यहाँ पर रात का समय था तो पूजा भी लगी हुई थी अपनी सिलाई करने में, मतलब मेरा ब्लाउज सिलने में लगी हुई थी पूजा। और यहाँ पर दोस्तों पता नहीं किसी बच्चे ने ये वीडियो बनाई थी, मैंने बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया था तो उसने पूरी वीडियो ना बनाई और अधूरी से अधूरी वीडियो को बना दिया। मेरे बागे में कलाकंद बहुत अच्छा बना था। और ये दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने घर, मतलब फिरोजपुर झिरका में, वो भी घर है लेकिन जहाँ पर आप रहते हो तो वो उस घर की तो बात ही अलग होती है। और माँ हम आ गए थे मार्केट, मार्केट हम इसलिए आए थे कुछ सामान हमें चाहिए था, थोड़ा खाना पीना खाकर हम घूमने भी निकल आते हैं। तो यहाँ आपको मैं दिखा दूँगा, यहाँ पर ये दोनों बाइक वाले लड़ रहे थे आपस में, मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली क्योंकि आपस में इन दोनों की बाइक भिड़ गई थी तो ये भी आपस में लड़ने लग गए। पता नहीं दोस्तों इस रोड पर ऐसे समझते हैं लड़के लोग, ये हमारे ही रोड है क्या? और बस निकलना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये कुछ सामान लेने गए थे तो यहाँ पर मैं हम बैठे हुए थे गाड़ी में, बाबू पीछे खेल रहा था। और दोस्तों हमारी दिवाली अच्छे से मनाई थी, हमारी दिवाली अच्छे से धूमधाम से मनी थी। और बहुत ज़्यादा और यहाँ पर दोस्तों ये गोवर्धन के दिन की वीडियो है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर फिरोजपुर झिरका में कितने अच्छे से लोगों ने अपने घरों को डेकोरेट किया गया किया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर भी धूमधाम से गोवर्धन मनाया जा रहा है। और गोवर्धन पूजा के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और आज है भाई दूज और मैं अपने ससुराल से आ गई थी कल गोवर्धन के दिन। और यहाँ पर मैं लगे ये सारे काम फैले हुए हैं और यहाँ दूध गर्म हो रहा है और ये बर्तन सारे बर्तन पड़े हैं। नीचे से मैंने झाड़ू पोछा कर दिया तो ये डुब्बू देखिए किस तरह से रोने लग रहा है। और यहाँ पर घर धुल रहे हैं और पानी भी आ रहा है दोस्तों आज। और छत एकदम क्लीन हो गई है, इन्होंने छत को साफ कर दिया है। और ये मैं कहाँ कहाँ से वीडियो बनाऊंगी, बनाने ही नहीं देता ये तक। आए करो पहले, आए करो, जल्दी करो, सबको आए करो करो। और यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं अपना काम शुरू कर दिया है। और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, यहाँ पर मैं झटपट से खाना बना लूँगी, बच्चों की छुट्टी है। पहले मैं खाना क्या बनाऊँगी, पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी और दाल वगैरह मैं साथ में सुबह ही बना के रख देती हूँ, ये इनको जाना होता है दुकान पर तो इसीलिए जल्दी बना लेती हूँ। और बच्चों में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि खाना हम दोपहर को बनाएं, और दोपहर को भी आपने देखा होगा डुग्गू मुझे कितना तंग करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं
तो वो अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, पापा के पास इतना नहीं रहता है, रहता है लेकिन घूमने जाते हैं जब ज़्यादा पापा से चुपका रहता है, उससे पहले नहीं चुपका रहता। और यहाँ पर मैंने आर्यन को लगा दिया है, जो आंवले हैं उनको घिसने में लगा दिया है, कुछ क्योंकि आज मुझे बनाना है अपने बालों के लिए हेयर ऑयल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट का हेयर ऑयल ऑयल जो होता है मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, हमेशा मैं घर का बना हुआ तेल यूज करती हूँ, क्योंकि मार्केट का तेल मुझे कभी भी सूट नहीं होता और उसमें बहुत सारे केमिकल आते हैं दोस्तों। और मैं कोशिश करती हूँ अपने बालों के लिए मैं केमिकल यूज ना करूँ, तो इसीलिए अब मार्केट में बहुत सारे कच्चे आंवले आने लग गए हैं ताज़ा, तो मैंने इसीलिए ताज़ा आंवले मंगा लिए थे। उससे पहले तो मैं 1 साल के लिए उसका जो चूरन होता है आंवला आंवले कसकर उसका चूरन बना के रख लेती हूँ, उसको मेहंदी और ऑयल में उसको ही यूज करती हूँ। लेकिन अब आंवले का ये मौसम है, सर्दियों में आंवले बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं इनको कसवा कस दूंगी। और मतलब ये आर्यन को लगा दिया है मैंने, ये सब मेरी मदद कर रहा है काम में। और दोस्तों मेरी बेटी की आवाज़ को इग्नोर करना, जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बोलती है, बोलने की कोशिश करती है, पता नहीं क्या तो वो कहती है ये। तो यहाँ पर मैं काम कर लूँगी और इसको मैंने इसमें लगा दिया है, और उसके बाद ये एलोवेरा धुल देगा, मुझे तेल बनाना भी छोटी बात नहीं होती दोस्तों, मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए कड़ी पत्ते भी चाहिए होंगे, एलोवेरा तो मैं गांव से लेकर आई थी तो उनको अभी धुला नहीं है मैंने, और कड़ी पत्ते मैं मंगवा लूँगी, पड़ोस में ही हो रहे हैं, थोड़ी दूर हैं लेकिन वहाँ से वो दे देते हैं, पड़ोसी मना नहीं करते हैं। कड़ी पत्ता के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं तो मैं उसको भी डाल देती हूँ। और मेथी दाना, कड़ी जी, काली जीरी, सॉरी दोस्तों काली जीरी, सबको एक साथ में पकाती हूँ। और यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, पहले मैं मेरा दूध भी निकल गया था दोस्तों, तब मतलब इतनी देर से मैं गैस के पास खड़ी थी तब मेरा दूध नहीं निकला। और ऐसे तो हमेशा होता है मेरे साथ कि जब भी मैं कभी कुछ काम में गैस से दूर चली जाऊँ तो ज़रूर मेरा दूध निकल जाता है और तुरंत फैलता है दोस्त दूध। और कई बार ऐसा हो गया है कि मेरे दूध तो बहुत ज़्यादा निकलता है, गरम करने में जब रखती हूँ तेज आंच पर तो वो बॉयल होकर बाहर निकल जाता है। तो फाइनली दोस्तों मेरा काम धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेले काम करते करते थक गई हूँ। और इनको मैंने लगा दिया कपड़े की ड्यूटी पर, ये अपने कपड़े की ड्यूटी संभाल रहे हैं, अच्छे से निभा लेते हैं।
और यहाँ पर दोस्तों जब टमाटर को डब्बे में स्टोर करके रखते हैं टमाटर मिर्च को, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये देखिए डुगू मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, देखिए पता नहीं मतलब ये बाबू मेरा किसको, मतलब मेरे दोनों बच्चे इतने शरारती नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, ये डुगू तो इतना ज़्यादा शरारती है, हमेशा हाथ उठाता है और मतलब अपनी मनमानी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और अब ये रो रहा है फ़ोन के लिए, मम्मा मुझे फ़ोन दो, और नहीं दे रही तो इस तरह से मुझे पीट रहा है। अब मेरी काम की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, वीडियो बनाने की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। ये फ़ोन मैंने इसलिए लिया था कि मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, लेकिन ये बंदा मुझे वीडियो बनाने तो नहीं देता। मैं जब ट्राईपोड में कैमरा लगा देती हूँ, फ़ोन लगाते ही इसकी हरकतें ये चालू हो जाती है। कभी कभी तो कुछ नहीं कहता, लेकिन कभी कभी तो इतना ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा तंग कर लेता है, आखिर काज में मुझे देना ही पड़ता है इसको। और यहाँ पर ये देखिए सब कुछ तैयार हो गया है तेल बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आंवला, एलोवेरा, कड़ी पत्ता, काली जीरी और मेथी दाना, इन सबको ले लिया है। और ये दोस्तों डायरेक्ट शाम की वीडियो, डुगू ने मुझे वीडियो दिन में नहीं बनानी थी कि मैं किस तरह से ऑयल तैयार करती हूँ, कभी आपको मैं इसकी वीडियो अलग से बना के दूँगी। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ माँ डॉक्टर के पास, और ये देखिए डॉक्टर साहब ने दिवाली की कितनी अच्छी मतलब अपने अस्पताल को सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था, तो एक वीडियो मैंने भी बना ली। और ये देखिए मैं अपनी बेटी को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसके बालों में बहुत सारे फुंसी फुंसी निकल रही हैं, खुजली वाली, और बहुत ज़्यादा बहुत मतलब फैलती जा रही हैं वो, इसलिए मुझको लेके आना पड़ा। और यहाँ पर हम शॉर्ट रास्ते को छोड़कर लॉन्ग रास्ते से आ गए हैं कि घूमना अच्छे से हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पर ये देख सकते हो ये है बस स्टैंड फिरोजपुर झिरका का, यहाँ पर बस भी खड़ी रहती है, ऑटो भी खड़े रहते हैं, लेकिन इस टाइम मार्केट बंद होने लग गया है और हम मंडी से ले लेंगे। ये फिरोजपुर झिरका की मंडी है, मार्केट अलग है, लेकिन ये मंडी वाला रास्ता है। और यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, थोड़ा घूमना हो जाता है तो दिमाग भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि मैं तो बच्चे चिक 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 लगे रहते हैं, एक बच्चा हो तो उसके संभाल लें, तीन चार बच्चे हैं दोस्तों, कब तक मतलब हम इस बच्चों को संभालें, बच्चे बच्चे ही होते हैं, वो तो नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर एक दिन सफलता हासिल होगी। और यहाँ पर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय, रात का समय है, गुड नाइट दोस्तों।